हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू तरुण खुराना व्लॉग्स। मैं हूं आपका दोस्त जो रोज आपके लिए वीडियोस लेके आता है इसी यूट्यूब चैनल पे, तरुण खुराना व्लॉग्स पे। तो आज एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि ये टॉपिक है लाइफ ऑफ अ व्लॉगर। तो मैं आज आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहले आप लोगों को तो ये तो पता होगा कि व्लॉगिंग क्या होती है। व्लॉगिंग तो सबको पता है कि कुछ भी हम कर रहे हैं तो उसको शूट करना है कैमरा के आगे और आप लोगों को दिखाना है, बट डेली व्लॉगिंग क्या है वो एक बहुत अलग चीज़ है। और आज मुझे एटलीस्ट 140 डेज हो गए हैं ये वीडियो शूट करते हुए डेली, मतलब 140 दिन से मैं डेली वीडियोज़ डाल रहा हूँ, डेली व्लॉग्स आ रहे हैं मेरे। तो सबसे पहले जो आप लोग मुझे नहीं जानते तो मैं बता दूं मैं कौन हूँ। मैं तरुण खुराना हूँ, मेरा नाम तरुण खुराना है और मैं एक एक्टर हूँ, वॉइस आर्टिस्ट हूँ और अब मैं एक डेली व्लॉगर भी हूँ। जिसको नहीं पता, मैंने मुस्कान, ट्रोल पुलिस, सावधान इंडिया, सब टीवी का या मैं हम, फ्लिपकार्ट डेटिंग आजकल, MTV ट्रोल पुलिस, इन सब जैसे शोज़ में काम किया है और अभी भी मेरी वो जर्नी स्टार्ट है, बट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। तो अब मैं बता दूँ कि इट इज़ ईजी बट काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बट अगर आपके अंदर पेशेंस है और कंसिस्टेंसी है तो आप लोग भी ये कर सकते हो यार। तो ओके, तो लेट मी जस्ट स्टार्ट कि ये व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट हुई आज से 140 दिन पहले, जब एक छोटा सा थॉट मेरे मन में आया कि कुछ अलग स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे सब लोग इतना नाम कमा रहे हैं और मेरे को कैमरा के आगे रहना हमेशा पसंद है। जब से मेरा एक्टिंग करियर स्टार्ट हुआ तो मेरे को कैमरा के आगे रहना हमेशा पसंद है। तो बीच में जब थोड़ा सा गैप आया एक्टिंग का, कि मतलब जब शोज़ की थोड़ा मिलना कम हुआ, तो मेरे को लगा कि नहीं कुछ है। तो फिर मेरी दीदी ने मुझे एक आइडिया दिया कि यू शुड स्टार्ट दिस व्लॉगिंग। मैंने कहा यार कौन देखेगा मुझे, मतलब कितना नया हूँ, मेरे गिनती के मतलब 100 सब्सक्राइबर भी नहीं होंगे तो मुझे कौन देखना चाहेगा। बट मैंने वो हिम्मत नहीं हारी और आज मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर्स से ऊपर पूरा कर चुका हूँ। एटलीस्ट मेरे 1200 सब्सक्राइबर्स हैं अभी इस समय और मैंने 100 से स्टार्ट किया था। मुश्किल होता है पर नामुमकिन नहीं है। तो अगर जो भी ब्लॉगर बनना चाहता है यार कर सकता है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपकी फैमिली का भी होता है, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग में आपको होता है सुबह उठने से रात के एंड तक जो आप कर रहे हो आपको दिखाना है, हर रोज़ नया कंटेंट शूट करना है। कभी आपकी ऑडियंस बोर ना हो जाए इसलिए आपको कुछ ना कुछ मज़ेदार शूट करते रहना पड़ता है। सुबह उठो, क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कुछ नया आपकी ऑडियंस देख सकती है उसके लिए। तो ये मैंने शुरू किया और मेरे पापा, मेरी मम्मा, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मेरे डैड बहुत क्यूट हैं, बहुत अमेजिंग है, क्योंकि उन्होंने मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं आज तक और इसमें भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। स्टार्ट मैंने फ़ोन से किया था क्योंकि मेरे पास नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन था बट मेरे पास एप्पल फ़ोन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि हमारी ऑडियंस को कंप्लेंट आ रही क्वालिटी की, तो मैंने सोनी ZV-1 कैमरा ख़रीदा और अब मैं कैमरे से शूट करता हूँ क्योंकि ये सबसे बेस्ट व्लॉगिंग कैमरा है। अगर आप लोग फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से कर सकते हैं, बस आपका कॉन्टेंट आपका हीरो होना चाहिए। तो कंटेंट बनाने में मुश्किल भी आती है, मतलब आपको कितनी बार ऐसा लगता है कि यार आज का दिन कुछ खास नहीं हो रहा तो मैं शूट क्या करूं, तो आपको उसे खास बनाना है यार। मतलब कि मैं मानता हूं, मतलब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करने के बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी लाइफ को और ज़्यादा इन्जॉय करना शुरू किया, एक नए परस्पेक्टिव से स्टार्ट किया कि इसके लिए क्या कुछ नया हो सकता है, क्या नया मैं रोज़ कुछ कर सकता हूँ। आई थिंक अगर मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा होता तो मैं आई थिंक इतने नए तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी रहा होता जैसे नॉर्मल जीते हैं, सभी करते हैं। तो उसके अंदर एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, खर्चे होते हैं भाई, क्योंकि आपको बाहर निकलना है डेली, आप घर का नहीं दिखा सकते। घर से शुरुआत ज़रूर करते हो पर पूरा दिन आपके घर के मसले, आपके घर की चीज़ें हर कोई देखना पसंद नहीं करता, कुछ नया ऑडियंस देखना चाहती है। तो बाहर निकलना, चाहे रेस्टोरेंट्स हो, कैफ़े हो, नई नई जगह कवर करने के लिए थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। ऑल्दो मैं बहुत बजटली चलता हूँ, मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ, रिक्शा से ट्रैवल करता हूँ ताकि पैसे बहुत कम से कम यूज़ हों, और इसीलिए ये मतलब ऐसा होता है कि नए कंटेंट के लिए कभी कुछ जाओ, कभी कोई जगह जाओ, कभी कुछ खाने जाओ, कभी कुछ खाने जाओ, कभी ये इवेंट, कभी वो इवेंट, तो ये करना ज़रूरी है। मानता हूँ खर्चे होते हैं बट एक बार अगर आपकी मोनेटाइजेशन हो जाती है तो आपको सुकून मिलता है कि हाँ यार अब मेरी मेहनत का फल मुझे मिलने लगेगा। आई थिंक मेरा चैनल भी मोनेटाइज होने वाला, आई थिंक ये वीडियो आप लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मोनेटाइज हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर आपको नहीं पता कि व्लॉगिंग के चैनल, मतलब नॉर्मल यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है,
सबसे पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन और एक कोई भी आपका कॉपीराइट कंप्लेंट नहीं होना चाहिए। थर्ड, आपके मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। फोर, यानी कि आपके 4000 वॉच टाइम होना चाहिए, 4000 घंटों का, तो वो कंप्लीट होना। जब आप ये चारों क्राइटेरिया पूरे कर लेते हैं तो आपको अपना मोनेटाइजेशन के अप्लाई करने के लिए मौका मिल जाता है और आप उसे करते हैं। और जहाँ बात रही कि लोग सोच रहे हैं कि डेली ब्लॉग में हम क्या शूट करें, मैं चैलेंजेस शूट करता हूँ, मैं ट्रैवल शूट करता हूँ, मैं फूड शूट करता हूँ, वही कंटेंट की कमी नहीं है। मैंने ये लाइन अपने एक ब्लॉग में भी कही थी कि जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की कंटेंट मेरे पास खुद चल के आने लगा है, क्योंकि कंटेंट हर जगह है, हवा में कंटेंट है। आप सोफे पे बैठे हो, कहीं भी, आपकी बहन में, आपके भाई में, आपकी माँ में, आपके बाप में, आपकी पूरी फैमिली में कंटेंट है। हम दिन भर जितनी मस्ती करते हैं, लड़ाई झगड़े ये सब हम दिखा सकते हैं, कुछ भी अच्छा जो आपको लगे। तो घबराइए मत, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गिव अप नहीं करना। आज मुझे 140 दिन हो गए करते हुए, मैं इसी वेट में हूँ ना, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है और मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी इससे। कितने लोग आए बीच में, उन्होंने मुझे रोका कि ये क्या बना रहा है, तुझसे अच्छा तो सौरभ जोशी करता है, तुझसे अच्छा तो ये ब्लॉगर करता है, क्योंकि वो आपकी जर्नी को किसी की सक्सेस से कंपेयर कर रहे हैं। तो वहाँ आप लोग को थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होता है। मुझे भी कितनी बार ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे कॉन्टेंट में कमी तो नहीं, बट नहीं, क्योंकि आपकी सक्सेस के बाद लोग आपको जानते हैं ना, तो आपकी पीछे की सारी चीज़ें लोग भूल जाते हैं। तो आई थिंक वही होता है, क्योंकि आपकी कंपैरिजन आपके किसी सक्सेसफुल ब्लॉगर से हो रही है ना, तो इस वजह से आपको थोड़ा डीमोटिवेट फील होता है। पर आपको नहीं होना है, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ हाँ थॉट लाया कि ऐसा तो नहीं, बट मैंने करके उसे अड़ा दिया। मतलब नहीं भाई, कोई चीज़ नहीं रोक सकती। जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले कि आप अपने साथ होने चाहिए, आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपके अंदर वो जील होनी चाहिए यार ब्लॉगिंग के लिए। तो प्लीज़, जितने भी ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग स्टार्ट करिए, ट्राई करिए कंटेंट के लिए। आपके पास रिंग लाइट है नहीं है कोई बात नहीं, बट बेसिक इक्विपमेंट्स में अगर आपको बता दूँ कि क्या होते हैं, एक रिंग लाइट, फ़ोन, अच्छा कैमरा, सबसे बड़ा आपका कंटेंट हीरो होता है। तो मेरी जर्नी अब तक बहुत अच्छी रही, आगे के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया करने के लिए सोचता हूँ, कल भी मुझे कहीं नई जगह जाना है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी मेहनत को अगर आपने अब तक नहीं देखा है और इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग रहा है कि मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं डेली बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कि हाँ मेरी ऑडियंस को अच्छा लगना चाहिए नया नया कॉन्टेंट। सो या आई थिंक मैं इतना बताना चाहूँगा कि हार मत मानिए, मायूस मत होइए, अड़चने आती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। कम पैसे हैं तो क्या हुआ, फ़ोन से शूट करिए, अच्छा कंटेंट लाइए, घर पे फनी चैलेंजेस करिए, देखिए कि ऑडियंस को क्या पसंद आता है, उस हिसाब से वो नीश चुनिए। होगा, ज़रूर होगा, आई एम टेलिंग यू, अगर मैं कर सकता हूँ, सौरभ जोशी कर सकता है, या फ्लाइंग बीस कर सकते हैं, या जो भी जितने बढ़िया ब्लॉगर्स हैं, डेली ब्लॉगर्स, संभावना, सेठ एंटरटेनमेंट, उन्होंने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था, आज वो उस मुकाम पे हैं। स्टार्ट ज़ीरो से ही होती है, तो ये मत भूलिएगा। आई एम गिविंग यू दैट श्योरिटी कि सब बहुत 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 अमेजिंग होने वाला है, ट्रस्ट माई वर्ड्स। स्टार्ट ब्लॉगिंग, स्टार्ट एंड फॉलो दिस पैशन, ट्रस्ट माई वर्ड्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा मोटिवेटेड फील हुआ होगा। कुछ और अगर आपको पॉइंट्स जानने हैं, अगर मैंने इसमें कवर नहीं किए, तो कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कॉमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। तो हाँ, एक बात और, सॉरी, रिसेंटली जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई, उससे मुझे बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हनी सिंह की वीडियो थी, जब मैं कॉन्सर्ट में गया था, वो ट्रेन में मैंने एक अलग ही कॉन्सर्ट लगा दिया, लोग इन्जॉय करे, YouTube ने मेरी वीडियो पुश की, दो ही दिन में मेरे 27,000 व्यूज़ हो गए थे और उसी से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े। तो आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी वीडियो चल जाए, तो इसलिए वीडियो बनाते रहिए, कीप मेकिंग वीडियोस, कीप मेकिंग कंटेंट, एंड डू फॉलो तरुण खुराना व्लॉग्स। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो मैं डेली व्लॉग डालता हूँ, देखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, तरुण खुराना साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय, गुड नाइट।